तो भाई आज आपके सामने बजाज की दो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलिंग बाइक खड़ी है, एक बजाज की NS125 और दूसरी साइड में है बजाज की नॉर्मल 125। तो आज इन दोनों बाइक का हम कंपैरिजन करने वाले हैं और उसी के साथ में बताऊंगा किसे NS125 परचेज करना चाहिए और किन बाइक को बजाज की नॉर्मल 125 परचेज करना चाहिए। अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल चेंजेस की, एक बार सामने दोनों बाइक चेक कर लीजिए आप। अगर NS125 की बात करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी पोस्चर की बाइक लगती है, वहीं पर अगर नॉर्मल 125 की बात करते हैं NS की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम स्पोर्टी पोस्चर की बाइक है। अगर दोनों की हेडलाइट की बात करते हैं, दोनों में ही आपको नॉर्मल बल्ब हेडलाइट प्रोवाइड की जा रही है और इंडिकेटर्स भी आपको नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर्स ही दिए जा रहे हैं। और उसी के साथ में अगर बात करते हैं इसकी पायलट लैंप की, तो जो NS जो नॉर्मल 125 है उसमें आपको पायलट लैंप ऊपर साइड में प्रोवाइड की जाती है, वहीं पर अगर बात करते हैं NS125 तो यहाँ पे आपको पायलट लैंप नीचे साइड में दी जा रही है। अगर नीचे तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर लुक वाले मिडगार्ड फ्रंट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहीं पर अगर नॉर्मल वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है इसकी मिडगार्ड। वहीं पर अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, दोनों ही बाइक के सस्पेंशन में साइड में आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जा रहा है NS125 में भी और नॉर्मल 125 में भी। और दोनों की अगर टायर सेक्शन की बात करते हैं, जो नॉर्मल वाली है इसमें आपको 80x117 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं पर अगर आते हैं NS125 की तरफ तो यहाँ पर आपको 80x117 इंच के आपको इसमें फ्रंट में अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। अगर दोनों की साइज़ की बात करें, दोनों की फ्रंट टायर की साइज़ सेम ही है। उसी के साथ में एक और जो बड़ा चेंज है आपको बता दूं, इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया है थोड़ी स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड की जा रही है NS में। वहीं पर अगर नॉर्मल वाली की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्प्ले ही प्रोवाइड की जा रही है, एक बार देख लीजिए दोनों की, ये भी एक चेंज हो सकता है। और साइड में आते हैं इसका राइट साइड पैनल की तरफ, तो एक बार आप राइट साइड से NS125 का लुक चेक कर लीजिए और उसी के साथ में एक बार नॉर्मल वाली की आप चेक कर लीजिए। अब दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में इंजन कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है, साइड में भी आपको इंजन कॉल दिया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करते हैं नॉर्मल वाली की, दोनों में ही आपको इंजन कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं इसमें साइलेंसर, आपको नॉर्मल वाली में साइड में साइलेंसर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो NS है उसमें आपको साइलेंसर राइट साइड में देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि इसमें KTM स्टाइल में साइलेंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो मैं आपको अगर अभी लेफ्ट साइड में चलेंगे तो उधर साइड से आपको दिखा देंगे कहाँ पे है इसका साइलेंसर। अभी अगर दोनों की टैंक की बात करते हैं तो इसका जो टैंक है इसका थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लुक में आपको टैंक प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं पर अगर नॉर्मल 125 की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मल जो बहुत टाइम से आ रहा है वही नॉर्मल टैंक ही आपको, जो कि पल्सर 150 में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वही आपको टैंक अभी भी प्रोवाइड किया जा रहा है 125 में भी। उसी के साथ में अगर मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइनिंग दी गई है जिसकी प्रीमियम इसको और जो है इंक्रीज कर देती है। वहीं पे अगर नॉर्मल वाली की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वही नॉर्मल मिरर्स दिए जा रहे हैं जो कि आपको 150 में प्रोवाइड किए जाते हैं, नॉर्मल 125 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेम वही है। उसी के साथ में अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये दोनों की अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है इसलिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन एक बार नॉर्मल आपको मैं चेक करा दे रहा हूँ। ये नॉर्मल 125 cc वाली जो आती है पल्सर, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी टाइम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको पल्सर के 150 में प्रोवाइड किया जाता है, और काफ़ी टाइम से जो नॉर्मल वाली 125 वाली इसमें वही प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जो NS की बात करते हैं तो NS में आपको कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जाता है, बीच में आपको RPM मीटर दिया गया है, इसमें राइट साइड में आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और लेफ्ट साइड में इसके इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इधर साइड में आपको लेफ्ट साइड में इसका RPM मीटर दिया गया है, राइट साइड में इसके डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, नीचे कुछ आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और रीसेट करने के लिए आपको राइट में ही यहाँ पे बटन दी गई है और इसमें रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दी जाती है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अब उसी के साथ में दोनों की आपको चेक कराता हूँ, ये NS125 की है और ये नॉर्मल वाले की 125 की है, दोनों की भी एक बार चेक कर लीजिए आप। उसी साथ में अगर दोनों की हैंडल बार की बात करते हैं तो आपको जो हैंडल बार है लगभग सेम देखने को मिल रहा है। अब इसके स्विचेस की बात करते हैं, राइट साइड में आपको किल स्विच दी गई है और नीचे साइड में आपको सेल्फ लीड बटन दी गई है, ये इसकी नॉर्मल वाली की है। और राइट साइड में इधर आते हैं तो आपको जो NS125 है तो यहाँ पे ऊपर साइड में आपको किल स्विच दी जा रही है और नीचे साइड में सेल्फ बटन है। अगर इसकी दोनों की क्वालिटी की बात करते हैं, जो NS125 है इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम फील होगी, वहीं पर अगर बात करते हैं इसकी तो इसमें तो आपको वही काफ़ी टाइम से वैसे ही स्विचेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि आपको 150 में इसके पहले प्रोवाइड किया जा रहा था। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको पास के लिए दी गई है, हेडलाइट के लिए ऑप्शन दिया जाता है, नीचे साइड में आपको इनसाइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं और एकदम नीचे साइड में आपको हॉर्न के लिए बटन दी गई है। और वहीं पे अगर बात करते हैं NS की तो आपको सेम वही सब कुछ प्रोवाइड किया है, बस अगर यहाँ पे कोई चेंजेस है तो उसकी वही क्वालिटी की चेंजेस है, जो NS125 में आपको थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहीं पर आपको अगर बात करते हैं नॉर्मल वाली की तो आपको वही जो नॉर्मल 150 में प्रोवाइड किया था इसके पहले वही आप सब कुछ आपको वहीं पर दिया जा रहा है। एक बार आप टैंक भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको 3D स्टाइल में पल्सर का लोगो मिल जाता है नॉर्मल वाली में, और इधर साइड में आते हैं तो
कुछ इस तरह का आपको लोगो दिखने मिलता है। दोनों में आपको 3D लोगो प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे ही आपको 3D में पल्सर का लोगो दिया जा रहा है और नॉर्मल वाले में भी आपको पल्सर का लोगो 3D स्टाइल में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर दोनों बाइक के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ बाइक आप नॉर्मल वाली का लेफ्ट साइड चेक कर लीजिए, नॉर्मल वाली का है, और इधर से आप NS125 का लुक चेक कर लीजिए। अगर दोनों के इंजन की बात करते हैं, दोनों में आपको सेम ही इंजन लगभग लगभग प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको नॉर्मल 125 में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये लगभग 10.64 BHP की पावर जनरेट कर देता है। वहीं पर अगर इसके टॉर्क की बात करते हैं तो आप 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है। अगर NS125 की बात करते हैं तो आपको सेम BHP तो दोनों में आपको सेम ही प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जो टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। अब ये तो होगी दोनों के इंजन की बात। दोनों में सिंगल सिलेंडर इंजन है। यहाँ भी सिंगल सिलेंडर इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको यहाँ पे भी इंजन सिंगल सिलेंडर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं पर अगर साइड फेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे तक एकदम कंटिन्यू होती है आप चेक लिए इंजन तक। वहीं पर अगर नॉर्मल वाली बात करते हैं तो जो इसकी फेयरिंग है वही यहीं तक कंटिन्यू होती है, नीचे साइड में आपको फेयरिंग नहीं दी गई है। दोनों में आपको यहाँ पे सिंगल हॉर्न प्रोवाइड किया जा रहा है और इधर भी आपको सिंगल हॉर्न ही दिया जा रहा है। अब अगर राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में आपको जो नॉर्मल वाली 125 है इसमें आपको क्लोज चेन का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप ये पूरी चेन यहाँ पे पैक है। और वहीं बकर बात करते हैं NS125 की तो यहाँ पे आपको ओपन चेन का ऑप्शन दिया जाता है। अगर NS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो चेन मेंटेनेंस है थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोनों ही बाइक में आपको स्प्लिट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, स्प्लिट सीट का। इसमें नॉर्मल वाली में भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है और जो आपकी NS है उसमें भी आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन दिया जाता है। एक बार आप दोनों ही बाइक का रियर प्रोफाइल चेक कर लीजिए। साइड में खड़ी है नॉर्मल वाली 125 और राइट साइड में खड़ी है NS125। अब जैसे जो नॉर्मल वाली 125 है इसके लुक आपने काफ़ी टाइम से देखा है, ये वही सब कुछ वही सेम जो आपको 125 में प्रोवाइड किया था वही पूरा लुक यहाँ पे 125 में भी कंटिन्यू किया गया है। वहीं पर अगर NS125 की बात करते हैं यहाँ पे आपको स्पोर्टी पोस्चर दिया गया है रियर प्रोफाइल की तरफ में भी, और इसके जो टेल लैंप है आपको कुछ इस स्टाइल में प्रोवाइड किया थी। वहीं पर अगर बात करते हैं नॉर्मल वाली की तो आपको नॉर्मल वाली में भी यही काफ़ी टाइम से ही यही स्टाइल में आपको टेल लैंप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको दोनों ही बाइक में आपको रियर में इंडिकेटर्स जो दिए जा रहे हैं नॉर्मल बल्ब में ही दिए जा रहे हैं, ना NS में आपको LED में प्रोवाइड किया जा रहा है ना ही आपको नॉर्मल वाली में LED में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया राइट साइड में इसके जो साइलेंसर आपको नहीं शो हो रहा होगा, वो साइलेंसर की जो पोजीशन है आप यहाँ चेक कर लीजिए एक बार। और जो इसका नॉर्मल वाली का है राइट साइड में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब दोनों ही बाइक के रियर टायर की बात कर लेते हैं। जो NS125 है इसमें आपको 100x917 इंच के आपको अलॉय व्हील्स रियर में दिए जा रहे हैं। वहीं पर अगर नॉर्मल वाली की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 100x917 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसमें रियर में दिए जा रहे हैं। अब अलॉय व्हील्स दोनों में आपको सेम ही साइज के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, NS में भी और इसमें भी। उसी के साथ बता दूं ना आपको इसमें रियर में इसमें डिस्क ब्रेक प्रोवाइड की जा रही है ना ही आपको इसमें NS में आपको रियर में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया है। दोनों में ही रियर में आपको ड्रम ब्रेक प्रोवाइड की जा रही हैं, NS में भी और नॉर्मल वाले में भी। ये था इस बाइक का दोनों का रियर का लुक। प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पर मैं ऑन रोड प्राइस की बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जो ऑन रोड प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर जगह डिफरेंट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक शोरूम प्राइस की बात करने वाला हूँ। तो लगभग 86,000 से स्टार्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो 1,06,000 की स्टार्टिंग एक शोरूम है उसकी। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था किन भाइयों को नॉर्मल वाली परचेज करना चाहिए और किसको NS परचेज करना चाहिए। अभी जिसको थोड़ा सा स्पोर्टी पोस्चर की बाइक थोड़ी चाहिए वो NS की तरफ जा सकता है, जैसे यंग लोग हैं वो NS125 की तरफ जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपको थोड़ी सी कम स्पोर्टी पोस्चर वाली बाइक चाहिए, देखिए स्पोर्टी पोस्चर दोनों ही बाइक का है, आपको अगर नॉर्मल वाली परचेज करते हैं तब भी और NS परचेज करते हैं तब भी, लेकिन जो NS है वो तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी पोस्चर प्रोवाइड किया जाता है। एक बार मैं सीटिंग पोस्चर भी आपको चेक करा दे रहा हूँ। अगर आप राइड करते हैं बाइक को तो आपको जो सीटिंग पोस्चर नॉर्मल वाली में कैसा रहेगा और NS में कैसा रहेगा। तो अगर आप नॉर्मल वाली राइड करते हैं तो आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको जो लेग है इंजन के जस्ट बगल में ही दिया गया है। NS की तरफ बहुत कहूँगा, अब जैसे आप NS वाली पोस्चर देख रहे होंगे इसका जो फुटरेस्ट है वो थोड़ा सा बैक साइड में है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी पोस्चर की बाइक ये बन जाती है। तो इस हिसाब से जो मैं बता रहा था आपको कि अगर थोड़ी सी आप यंग एज के हैं तो आप NS125 की तरफ जा सकते हैं, अगर आपकी कोई बजट इशू नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बजट इशू है तो उस केस में आप जो नॉर्मल वाली 125 है इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही बाइक में पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बाइक के पावर भी लगभग लगभग सेम ही है। वहीं पर अगर बात करते हैं ये वाली बाइक रफ टफ बाइक है, वहीं अगर उसकी बात करते हैं तो वो थोड़ी सी आपको मेंटेनेंस में थोड़ी ज़्यादा उसकी मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको ओपन चेन का ही ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है और थोड़ी सी उसकी मेंटेनेंस इस वजह से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है।
तो यही थी डिटेल वीडियो पल्सर की 125 और NS125 की। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसी साथ मैं आपको बता दूं कि बजाज पल्सर N160 की वीडियो अपने चैनल पे आ चुकी है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रही है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।